हम सभी जानते हैं कि वैसे तो भारत के कई सारे पड़ोसी देश हैं, लेकिन आज जिस देश के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, ये देश भारत का बहुत ही शांत और प्यारा पड़ोसी देश है जो पहले भारत का ही एक अंग था। आज हम बांग्लादेश के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप सुनकर हैरान तो हुए होंगे क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि बांग्लादेश भारत का ही एक हिस्सा था। हम आपको बता दें कि बांग्लादेश काफी सुंदर देश है। इस वीडियो में हम बांग्लादेश के बारे में ऐसे रोचक तथ्य बताने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे और जिनको सुनकर आप ये कहेंगे कि मुझे वीडियो दोबारा देखनी है, इसीलिए आपको वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश के होने के नाते बांग्लादेश के इस वीडियो पर एक लाइक तो जरूर बनता है। बांग्लादेश में सैकड़ों मामले हर साल आते हैं जिसमें पैसों या पारिवारिक समस्या के चलते छोटी लड़कियों की शादी बुजुर्गों से कर दी जाती है। छोटा या बड़ा जनसंख्या के मामले में बड़े बड़े देशों को मात देता है। ये बहुत हैरानी वाली बात है कि बांग्लादेश जैसा छोटा देश आबादी के मामले में दुनिया में छठवें नंबर पर आता है, जो कि ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। बांग्लादेश का आधिकारिक नाम रिपब्लिक पीपल ऑफ बांग्लादेश है। बांग्लादेश में हर 5 साल में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यहाँ कोई भी 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद पर नहीं रह सकता। यहाँ प्राचीन समय में मुगलों का राज रहा है। बांग्लादेश का इतिहास भारत के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है तथा भारत की प्राचीन सभ्यताओं का शासन बांग्लादेश में ही रहा है। बांग्लादेश ने 26 मार्च 1971 में अपनी आजादी की घोषणा की, जो कि 16 दिसंबर 1971 बांग्लादेश कपड़ों के निर्यात से सर्वाधिक आमदनी प्राप्त करता है। दोस्तों, बांग्लादेश में वेश्यावृत्ति के नाम को कानून से मान्यता प्राप्त है और बांग्लादेश में करीब 1 लाख से ज्यादा महिलाएं देह व्यापार का काम करती है। इसके अलावा बांग्लादेश में दुनिया का सबसे बड़ा वैश्यालय भी है। बांग्लादेश में हर साल 80 से अधिक फिल्में बनती हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज की ये वीडियो देखकर? वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम ऐसे ही आपके लिए देश दुनिया के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।